ये गाइस, गुड मॉर्निंग। इतने सारे फूलों के साथ मेरा स्वागत, थैंक यू सो वेरी मच। और आइए, आप सबका भी स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर आशिमा नेगी। कैसे हैं आप सबके सब? वेल, खुश रहने के लिए बहुत से जो है तरीके कम पड़ जाते हैं, लेकिन दुखी रहने के लिए अनेकों बहाने भी बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा सोचिए कि सुख रहना, खुश रहना एक दुर्लभ वस्तु है और इंसान हमेशा उसी के पीछे भागता है जो दुर्लभ होती है, जैसे कि नौकरी, यूजीसी नेट क्वालिफाई करना और खुश रहना। तो अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के पीछे भाग रहे हैं तो आप खुश होने के पीछे भाग रहे हैं, तो उसकी तैयारी डिप्रेस होके करना, ये तो मुझे बात समझ नहीं आती ना। तो चलिए जल्दी से खुश हो जाइए। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पेपर वन जर्नल पेपर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के लिए कुछ करंट टॉपिक्स। करंट अफेयर्स हैं तो इम्पॉर्टेंट है, आइए देखते हैं इनको क्या है करंट अफेयर्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि जुड़े रहिएगा मेरे साथ टेलीग्राम पे, सो दैट लेटेस्ट अपडेट्स आपको क्लासेस के मिल सके, अन अकेडमी क्लासेस के। और साथ ही साथ में क्विजेस तो वहाँ पे आप दे ही रहे हैं, और मज़े की बात बताऊँ, पेपर वन के लिए कंप्लीट कोर्स आ रहा है, तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेके, सो दैट आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अगर मैं आपको यहाँ पे अपना एजुकेटर कोड दे रही हूँ उसकी वजह से, और आपका डिटेल प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आशी 10 से 10% ऑफ लेके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों को बताने क्यों डर लगता है, पूरी कोशिश है कि डर आपका ख़त्म किया जाए। तो पहले स्क्रीन पे आप देख रहे हैं भगवान जी की तस्वीर, लेकिन इनके बारे में कुछ नया है करंट अफेयर्स के तौर पे जो आपको आज मैंने करवाना है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, जो कि राजकोट गुजरात में सिचुएटेड है, इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है, एक स्ट्रैटेजी लॉन्च की है, जिसके मद्देनज़र अक्रॉस इंडिया जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारी गौशालाओं को ये कवर करते हुए जा रहे हैं। जिस भी गौशाला में काउ डंग अवेलेबल है, जिस भी गौशाला में काउ डंग अवेलेबल है, वहाँ पे इन्होंने ये एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है। ठीक है, 22 अगस्त को गणेश उत्सव आ रहा है, बहुत बड़ा पर्व है पूरी कंट्री के लिए। ठीक है, उस पर्व के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है। कोरोना पेंडेमिक में लोग जो काम नहीं कर पा रहे, घर पे बैठ गए हैं, उनको व्यवसाय मिल सके, गौशालाओं में पैसे नहीं आ पा रहे हैं, दान नहीं आ पा रहा है क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उनकी इनकम हो सके, इसलिए 22 अगस्त के आने वाले इस फेस्टिवल के बारे में इन लोगों ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है। मैं किस फेस्टिवल की बात कर रही हूँ और क्या है ये स्ट्रैटेजी, आप मुझे बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शंस हैं। गणेश उत्सव को ऑनलाइन सेलिब्रेट करना है या इको फ्रेंडली गोमाता गणेश आइडल का कैंपेन रन किया है इन्होंने। वेल, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। गणेश उत्सव, आने वाले गणेश उत्सव के लिए काउ डंग से, गौशालाज में जो काउ डंग होता है वो बहुत सारा होता है, ठीक है, उसके थ्रू इन्होंने कैंपेन रन किया, जहाँ पे अक्रॉस इंडिया गौशालाज को इन्होंने ये स्ट्रैटेजाइज करवाया है कि वो इको फ्रेंडली गणेश आइडल काउ डंग से प्रिपेयर कर सके। जैसे कि आप ये फोटोग्राफ देख सकते हैं, ये काउ डंग से प्रिपेयर्ड हमारे आइडल हैं, भगवान गणेश हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है शुरू हुआ है, क्योंकि काउ डंग का इस्तेमाल हो रहा है, तो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट में ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट महत्व है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कल ही हुआ है, परसों हुआ है, इनफैक्ट फ्राइडे शाम को, एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी ने 1 किलोमीटर की टनल जो है अरावलीस में, जो ऑलरेडी इनका फ्रेट कॉरिडोर चल रहा है, उसके लिए हरियाणा के सोना इलाके में एक इलेक्ट्रिक गुड ट्रेन्स जो है वो चलाने का डिसाइड किया है, जिसमें कंटेनर्स चलेंगे। आने वाले 12 महीने में ये ऑपरेशनल हो जाएगा, लेकिन फ्राइडे को ये हुआ है कि इंजीनियर्स ने करीबन 2500 मिलियन पुरानी एक टाइप की रॉक को उन्होंने ब्लास्ट किया है, और ये ब्लास्ट अपने आप में बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि इसकी जो पर्टिकुलर रॉक टाइप है उसकी वजह से ये ब्लास्ट जो था पूरे के प्रोजेक्ट को हिला के ख़त्म कर सकता था, करोड़ों का प्रोजेक्ट था, लेकिन बहुत सक्सेसफुली ये ब्लास्ट हो पाया। मैं कौन सी रॉक की बात कर रही हूँ आपको ये बताना है, और हम क्या शुरू कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रॉक ब्लास्ट के बाद यहाँ पे डेडिकेटेड वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर में, और ये जो पर्टिकुलर रूट बनेगा जहाँ पे इन्होंने ये स्ट्रेच तैयार किया है, जहाँ पे ट्रेन रन करेगी करीबन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये मेवाट और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट को हरियाणा की कनेक्ट करता हुआ जाता है। अरावली रेंजेस के ऊपर जो हम लोगों का चल रहा है फ्रेट कॉरिडोर,
वहाँ को कनेक्ट करता हुआ जाता है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन और सेडिमेंट्री रॉक्स की, या फिर वर्ल्ड की फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल प्रोटोजोइक रॉक की? मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन की। प्रोटोजोइक रॉक्स को ब्लास्ट करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। सेडिमेंट्री रॉक्स तो जो सिर्फ हैं आपकी रिवर्स की वजह से बनती हैं, तो रिवर्स के सेडिमेंटेशन आते हैं उनकी वजह से बनती है, तो यहाँ पे कोई रिवर नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, सेडिमेंट्री रॉक्स काफ़ी हद तक मुलायम होती हैं, ठीक है, तो इस वजह से उनको ब्लास्ट करने की इतनी कोई खासी दिक्कत होती नहीं है, उन्हें आप हटा भी सकते हैं, उन्हें ब्लास्ट करके भी निकाल सकते हैं, उनकी वजह से मेजर डैमेजेस आपको एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन प्रोटोजोइक रॉक्स जो होती हैं, हमारी जो फाइव टाइप्स ऑफ रॉक में आती है, इट इज़ वेरी द टफेस्ट रॉक्स जिनको निकालना, अगर आपने निकाल भी दिया ब्लास्ट करके, तो आजू बाजू की जो स्ट्रक्चर्स है वो ब्लास्ट के इफेक्ट्स हमेशा के लिए लेके चले जाते हैं, ठीक है, इसलिए प्रोटोजोइक रॉक इसका आंसर है। और मजे की बात है, आपको ये इसलिए पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारे लिए पहली इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल तैयार हो रही है। इलेक्ट्रिफाइड रेल तो है ही है, अगर आप ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक गुड्स ट्रेन तो हमारी कंट्री में काफी सालों से चलती आ रही है, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन गुड्स ट्रेन तो चल ही रही है, लेकिन टनल जो है पहली है जो इलेक्ट्रिफाइड होगी। ये टनल जो आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये टनल इलेक्ट्रिफाई करनी है, वर्ल्ड की फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड टनल है, जिसके लिए प्रोटोजोइक रॉक्स को ब्लास्ट करके इसे तैयार किया जा रहा है, आने वाले एक साल के अंदर ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए था अपडेट आज करंट अफेयर्स की, वर्ल्ड की फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल तैयार हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी सारा मैटर यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको रफली बता देती हूँ इस मैटर के बारे में क्या एग्जैक्टली यहाँ दिया हुआ है, आप रीड कर सकते हैं, आपके इंटरेस्ट के लिए मैटर है। इंडियन रेलवेज़ ने एक पर्टिकुलर ऐप लॉन्च किया है जो कि कोविड सिचुएशन में बिना हाथ लगाए टिकट्स को टिकट चेकर्स के लिए बहुत सुविधा का काम कर रहा है। सारे ही स्टेशन पर ये डिप्लॉय करना है, फिलहाल ये एक स्टेशन पे परसों जो है डिप्लॉय किया गया है। आपको स्टेशन का नाम बताना है, आपको उस ऐप का नाम बताना है। कोविड सिचुएशन में कॉन्टैक्ट लेस टिकट चेक्स जो ऐप है उसका नाम क्या है, और ये जो है आपका IR इंडियन रेलवेज़ के सेंट्रल मुंबई के लोकेशन में टिकट चेकिंग स्टाफ्स को प्रोवाइड किया गया है इसका एक्सेस, जिसकी वजह से आप सामने वाले के जो टिकट्स हैं उन्हें चेक कर सकते हैं। मैं ऐप का नाम बता देती हूँ, ऐप है चेक इन मास्टर, और ये सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन के ऊपर, ठीक है, तो सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट यहाँ हुआ है। फेस्ड मैनर में इसे एंटायर महाराष्ट्र में डाला जाएगा, फिर धीरे धीरे काफ़ी सारे जहाँ पे रेल्स के मेजर इस टाइम पे ऑपरेशनल हैं स्टेशंस, वहाँ डिप्लॉय किया जाएगा। ऐप का नाम है चेक इन मास्टर, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन एवरीबॉडी। अगला क्वेश्चन, फोर्थ एडिशन हो चुका है, ये आपको पता है क्योंकि आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का सबसे प्राइम क्वेश्चन है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। UNFCCC की मीट हुई है, मिनिस्ट्रियल मीट हुई है क्लाइमेट एक्शन को लेके, पेरिस अग्रीमेंट के कंटेक्स्ट में। पेरिस अग्रीमेंट के कंटेक्स्ट में इंडिया ने अपनी सारी जो अपडेशंस हैं वो सामने रख दी हैं। आपके लिए अपडेशंस जानना ज़रूरी है इस टाइम पे। यहाँ पे अगर आपको भले ही क्वेश्चन आए ना आए कि पेरिस अग्रीमेंट की मीट कब कब होती है, हालांकि ये फोर्थ मीटिंग है, ये फोर्थ मीटिंग है 2015 से लेके अभी तक में, लेकिन इसमें आपको इंडिया ने क्या अचीव कर लिया वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है, लेकिन इसके बारे में आप मेरे से सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि 21% रिडक्शन अचीव हो गया है इंडिया का, एमिशन इंटेंसिटी को लेके हमने 21% तक का घटाव कर दिया है। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमने ये नक्की किया था कि हमारी कंट्री का जो GDP रहा है 10 साल का 2005 से 2014 तक, इस GDP पे पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी पड़ी, जिस वजह से कार्बन या एमिशन हमारा जो है बहुत एक्स्ट्रा हो गया था। तो ये जो GDP है उसका 21% जो है एवरेज GDP का हमने एमिशन रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हमारा जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो हमने कैपेसिटी तैयार की है जिसमें हमारी रिन्यूएबल एनर्जी में एनर्जी प्रोडक्शन होती है, वो इंस्टॉल्ड आपकी कैपेसिटी हैज़ रीच टू 226%, ठीक है, कैपेसिटी की यहाँ बात हो रही है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका LPG कनेक्शंस 80 मिलियन पिछले साल
तक में 5 साल की जो मोदी सरकार रह चुकी है उन्होंने दिए हैं, अभी जो उनका नेक्स्ट टर्म चल रहा है उसमें मिला के इन्होंने 2015 से लेके अभी तक 80 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस दिए हैं। एलपीजी कनेक्शंस के लिए उन्होंने एक स्कीम रन की थी पीएम उज्ज्वला योजना, उसके अंतर्गत ये कनेक्शंस दिए गए हैं। 360 मिलियन एलईडी बल्ब्स बांटे गए हैं पीएम उजाला स्कीम के अंदर, उजाला एंड उज्ज्वला स्कीम के अंदर, तो इसलिए आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। उज्ज्वला एंड उजाला स्कीम में इतने बल्ब बांटे गए हैं, उजाला स्कीम चल रही है आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि एलईडी बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग है। और इसके अलावा ये जो उजाला बल्ब्स हैं इसका फोकस है करीबन पर एनम 47 बिलियन रिडक्शन होनी है, ठीक है, 47 बिलियन के करीब में रिडक्शन है। किस में रिडक्शन है? 47 बिलियन टन्स की कार्बन डाइऑक्साइड में रिडक्शन है जस्ट बिकॉज आपने ये एलईडी बल्ब्स जो है उनका प्रमोशन कंट्री वाइड किया है। भारत स्टेज 6 का क्या मतलब है? भारत स्टेज 6 का जो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है यूएनएफसीसी और पेरिस अग्रीमेंट को मीटिंग को, इसका ये मतलब है कि इंडिया ने अपने आप को 2024 में डालना था भारत स्टेज 6 में। अभी भारत स्टेज 3 और 4 चल रहा है हमारी कंट्री में, लेकिन तुरंत उसे अप्रैल 2020 में ही जल्द से जल्द सारी प्रोडक्शन हटा दी गई है। The entire production in the country is now being done for Bharat Stage 6, BS6 के लिए हमारी production हो रही है। ये उपलब्धि है कि 4 साल पहले ही हमने अपने targets achieve कर लिए हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए with respect to Paris Agreement, हमारी country ने क्या क्या progress किए, this is the current affairs which you should know, and ये schemes का नाम और Bharat Stage 6 के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगले question पे चलते हैं। अगला question है current affairs का। ऐसे 3 indigenous bugs हैं जैसे कि जिनमें से एक है लेडी बर्ड बीटल और ग्रीन लॉसिंग फ्लाई, ये जो है पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में साइंटिस्ट ने पता करवाया जो साइंटिस्ट इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च में काम करते हैं। जो पेस्ट हैं वो उनका नाम क्या है आपको ये बताना है। पेस्ट की ऑप्शन दे रखी है वूली वाइट फ्लाई, जिन्हें सिट्रस वाइट फ्लाई भी बोला जाता है, कॉकरोचेस या बोथ ऑफ देम। ये पेस्ट बेसिकली क्या करते हैं, खेतों में लग जाते हैं और पूरी फसल करीबन 10 से 12 दिन में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और अगर आप ये इंडिजिनस बग्स छोड़ देते हैं इस पर्टिकुलर पेस्ट के ऊपर, पेस्ट के ऊपर क्या छोड़ेंगे, वूली वाइट फ्लाई के ऊपर आप छोड़ेंगे लेडी बर्ग बीटल्स को या ग्रीन लॉसिंग फ्लाइज को छोड़ देंगे। अगर आप ये वूली वाइट फ्लाई 10 से 12 दिन में ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ग्रीन लॉसिंग और लेडी बर्ग्स करीबन 200 से 300 वूली वाइट फ्लाइज को खा जाते होते हैं, ठीक है ना। तो आंसर तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। आत्मनिर्भर भारत कैंपेन इनिशिएट हुआ है एक कंपनी द्वारा अभी 2 दिन पहले ही, और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि इसकी वजह से इस कंपनी को करीबन 20 से 22% इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में कट मिलेगा क्योंकि अब उसे अपना ये जो फ़ोन है इंडिया में मंगवा के बेचना नहीं पड़ेगा। इंडिया में बन रहा है आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट में, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में, और इंडिया से बन के एक्सपोर्ट जाएगा तो इंडिया की इकोनॉमी कितनी अच्छे से राइज करेगी। मैं किस पर्टिकुलर फ़ोन की बात कर रही हूँ, मैं किस पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रही हूँ ये आपको बताना है। आपको बताना है कंपनी का नाम, आपको बताना है फ़ोन का नाम। इनका प्लांट है फॉक्सकॉन प्लांट जो चेन्नई में इंडिया में लोकेटेड है। और मज़े की बात यह है, ये बात बहुत ज़्यादा मीडिया में पब्लिसाइज की जा रही है कि ये कंपनी चाइना से अपना ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, ये कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं है, चाइना में प्रोड्यूस कर रही थी। अब धीरे धीरे ये और भी जगह इस प्रोडक्ट को अगर प्रोड्यूस कर रही है तो इसका मतलब चाइना से ये कंपनी अपने आप को बाहर निकाल रही है। मैं किस कंपनी की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एप्पल की। एप्पल ने आईफोन 11 इंडिया में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया फॉक्सकॉन प्लांट में, एंड दिस इज अ वेरी बिग बून टू द मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। तो बस आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ आपका सेशन अच्छा गया हो। शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। मुलाकात करते हैं जल्द ही आपसे आने वाले हफ्ते में। मेरी आपके साथ 12 से 1 बजे तक क्लास रहेगी, 12 से 12:30 तक आपके संग क्लास रहेगी, और मॉक टेस्ट में आपको जल्दी अनाउंस कर रही हूँ। तो मॉक टेस्ट हमारा जो 6th होने जा रहा है उसे देना मत भूलिएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर मॉक टेस्ट है, वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी टेलीग्राम पे। लेकिन अगर आप सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं, डिटेल प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो मज़ा नहीं आएगा। प्रिपरेशन जम के कीजिए, डिटेल कीजिए, आशी10 कोड से 10% ऑफ लीजिए और अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग, एंड इफ यू लाइक द सेशन डोंट फॉरगेट टू हिट इट अ लाइक। टेक केयर, गॉड ब्लेस।